Dear students, Assalamu Alaikum and welcome to your class. Hope you are doing well. Very good. Dear students, as we are reading uh, medieval Ladakh, our today's topic is the Namgyal dynasty. Dear students, in the year 1470 CE, a new dynasty called the Namgyal dynasty came into power in Ladakh the founder of the dynasty was Lahachin chen bhagan 1472-1500 ce under his son trashi namgyal 1500 to 1530 ce ladakh reached its greatest extension he built the first royal palace at Leh, on the top of the namgyal सेमू हिल पहले बच्चों 1470 सौ सत्तर ईसवी में लद्दाख में एक नया ख़ानदान एक नई डायनास्टी जिसको नामग्याल डायनास्टी कहते हैं ये पावर में आ गई जब ये लोग वहाँ के हुक्मरान बने इनका फाउंडर जो था डायनास्टी का उनका नाम था हा चिन भगन इनकी हुकूमत 1470 से 1500 सौ ईसवी तक रही द फाउंडर ऑफ़ द दाइनास्टी वाज लहा चिन भघन हुवेंटी टू फिफ्टीन हंड्रेड सी ई इन लद्दाख अंडर हिज सन त्राशी नमग्याल 1500 हंड्रेड 1530 फिफ्टीन लद्दाख रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन तो जो इनका बेटा था जो लहा चिन बाघन का बेटा था उसका नाम था त्राशी नामग्याल तो त्राशी नामग्याल की द्वारी हुकूमत जो है वो 1500 से लेकर 1530 सौ ईस्वी तक रही है तो तीस साल उन्होंने हुकूमत की है लद्दाख पर इनके दौर हुकूमत में इनके रूल में लद्दाख अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन तक पहुंच गया है यानी इनका जो हदूद अरबा है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के तराशी नमग्याल के दौर में ही रहा है यानी इनकी हुकूमत जो ज़्यादा से ज़्यादा रुकबे पर ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर रही है वो त्राशी नमग्याल के दोहरी हुकूमत में रही है ही बिल्ट द फर्स्ट रॉयल पैलेस एट लेह ऑन टॉप ऑफ द नमग्याल सीमू हिल तो ये जो त्राशी नमग्याल है इन्होंने लद्दाख में सबसे पहला पैलेस बनवाया है जो इन्होंने ये, ये लद्दाख में एक हिल है पहाड़ी है उसका नाम है, है नमग्याल सेमू हिल तो उस पहाड़ी पर इन्होंने अपना पैलेस बनवाया है जो कि लद्दाख में पहला पैलेस कहा कहा जाता है माना जाता है सीमू नमग्याल हु थ्रोन ऑफ लद्दाख इन फिफ्टीन थर्टी सी ई वॉज ए ग्रेट कांकरर इनके बाद जो सीमू नमग्याल अ जो थे वो तख्त पर बैठे तो वो 1530 सौ ईस्वी में तख्त पर बैठे तो ये बहुत बड़े एक कांकर थे बहुत बड़े एक फ़ातह थे ही सब द चीप्स ऑफ कुल्लू एंड इवन कांकर्ड ए पोर्शन ऑफ बल्तिसान तो ये जो सेमू नामग्याल थे इन्होंने बहुत से सरदारों को अपने जेर कर लिया अपने मातहत बना लिया और बहुत सा इलाका इन्होंने फतेह किया कुल्लू का इलाका भी इन्होंने फतेह किया और बल्तिस्तान का भी एक पोर्शन इन्होंने फतह कर लिया किंग सेंगी नमग्याल एसेंडेड थ्रोन इन सिक्सटीन सिक्सटीन 1616 एडी अब इनके बाद एक बादशाह लद्दाख में गुजरा है उनका नाम था किंग सेंगी नमग्याल सेंगी नमग्याल तख्त पर बैठे 1616 में in 1616 16. he was a brave soldier fought boldly and was praised for his war skill to ye jo sangi naam gyal the ye ek bahadur sipahi the brave soldier the aur unhone boldly बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और उनकी तारीफ की जाती है उनके war skill के लिए जो उनकी जंगी महारत थी उसके लिए उनकी बहुत तारीफ की जाती है वो एक बहुत बड़े माहिर जंग गुजरे हैं ही डोनेटेड लैंड टू ए बुद्धिस्ट मोक टैग सॉ एट हिमिस हु कंस्ट्रक्टेड एट द फेमस हिमिस मोनेस्ट्री इन 1630 एडी तो प्यारे बच्चों लद्दाख में जो मशहूर बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री है उसे कहते हैं हेम्स और गुम्पा तो ये उन्हीं के दौर में बनाई गई है ये लैंड उन्होंने डोनेट की है ये जो सैनगी नामग्याल थे इन्होंने डोनेट की है ये लैंड एक बुद्धिस्ट मुख को एक बौद्ध राहिब को इन्होंने ये डोनेट की है उस बुध राहिब का नाम था स्टैग टैग सांग रास्पो उनका नाम था तो हेम्स के मुकाम पर इन्होंने उसको ये लैंड दे दी और ये जो टैग सांग रास्पो थे उन्होंने वहाँ पे एक मोनेस्ट्री बनाई मोनीस्ट्री कंस्ट्रक्ट की जिसको हेम्स मोनीस्ट्री कहा जाता है तो ये जो हेम, हेम्स मोनीस्ट्री है इट वाज कंस्ट्रक्टेड in the year 1630 A.D. 1630 A.D. is when built three many walls in Ladakh and one in Zanskar besides uh, he built many curtains. Ladakh was also subject to Mughals इन the year 1597 CE, लद्दाख मुगलों के भी जेर निगे रहा है पंद्रह सो सतानवे ईस्वी में लद्दाख मुगलों के जेर निगे रहा है मुगलों की हुकूमत रही है वहां पर लद्दाख एंड बल्तिसान वायर कांकर्ड बा अकबर अकबर ने इनको फतह किया है लद्दाख को भी और बल्तिसान को भी अकबर शाहशाह अकबर ने फतह किया है कांकर किया है

ये जो शाहजहां थे बादशाह शाहनशाह शाहजहां उनके दौर में लद्दाख को दोबारा फ़तह किया गया दोबारा कांकर किया गया ये मुगल गवर्नर थे जफर खान तो उनकी सर सरबराही में शाहजहां के दौर में लद्दाख को दोबारा कांकर किया गया दोबारा इसको मुगलों ने फतेह किया द मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर थे जफर खान तो उन्होंने लद्दाख को दोबारा फतः कर लिया शाहजहां के दौर में ज़फर खान कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ शिगार एंड द रूलर ऑफ लद्दाख वॉज फोर्स टू सबमिट एंड टू पे एन इन ऑफ रुपीज़ वन मिलियन तो इन्होंने जो शिगार का फोर्ट था वो मुगलों ने कैप्चर किया और लद्दाख का जो इलाका था उनको इन्होंने कहा कि आप जी हमें खराज दे दो तो उनको एक मिलियन रुपया उनको खराज देना पड़ा मुगलों की तरफ दरीन ऑफ किंग नियमा नमग्याल सिक्सटीन एटी टू सेवनटीन इज़ सिग्निफिकेंट इन मैनी आस्पेक्ट्स इसके बाद जो एक और नमग्याल किंग है जिनका नाम था न्यामा नमग्याल तो नियामा नमग्याल जो थे ये सोलह सौ अस्सी से सत्रह सौ बीस ईस्वी तक इनकी हुकूमत रही है और इनका दौर कुछ बातों के लिए सिग्निफिकेंट है कुछ अहम बातें इनके दौर में वजूद में आई हैं ड्यूरिंग हिज रीन द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लद्दाख फ्राम चाइना and the blocks of six लमेस्ट books were engraved in Ladakh. तो इनके दौर में एक अहम जो ये काम हुआ है वो ये है कि जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग है प्रिंटिंग का आर्ट प्रिंटिंग का फन तो ये लद्दाख में इंट्रोड्यूस हुआ है चाइना से आया है ये आर्ट तो चाइना से इन्होंने सीख लिया है प्रिंट करना ब्लॉक्स प्रिंटिंग ब्लॉक्स इन्होंने वहाँ से लाए या उन्होंने इंट्रोड्यूस किए चाइनीज़ ने तो इन्होंने वो वहाँ पे सीख लिया प्रिंटिंग तो लामाओं की जो कुछ बुक्स हैं वो एनग्रेव की गई हैं लद्दाख में इसी दौर में आल्सो ड्यूरिंग हिज रेन इन दर सेवनटीन फिफ्टी वन ए डी द जिसट डेसीडरी पासड थ्रू लेह ऑन हिज वे टू लहासा एंड न्यामी नामग्याल वाज द फर्स्ट किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर होम देर वाज नो वारफेयर एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाज एस्टैब्लिश इन लद्दाख तो ये जो नमग्याल नियामी नमग्याल का दौर है इन्होंने वहाँ पर बहुत देर तक हुकूमत की है और इनके दौर को ये पुरान और आ, फ्री फ्रॉम वार जंग जदल के बग़ैर जो दौर गुज़रा है इनका इसमें कोई जंग नहीं हुई कोई वार नहीं हुआ और पीसफुल रहा है पूरा इनका दौर ये लद्दाख में आ, अमन अमान और शांति का दौर रहा है तो आज के लिए इतना ही विद दिस आई कंक्लूड इट हियर थैंक यू वेरी मच गुड बाय एंड टेक केयर